पूरे पेपर में आप देखोगे प्रेपोजिशन से रिलेटेड चीज़ें पूरे पेपर में स्कैटर्ड पूछा गया है। हमारा प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ हो सकता है? एक तो प्रेपोजिशन का यूज़ कहाँ पे मिल जाएगा आपको? एरर में। एक प्रेपोजिशन कहाँ मिल जाएगा? फिलअप्स। दूसरा ये कहाँ मिल जाएगा? पोस्टर्स। ठीक है, प्रेपोजिशन पूरे आप पेपर में देखोगे ना, हर पेपर में करीब 5 से 6 नंबर का प्रेपोजिशन रहेगा, इधर इन द फॉर्म ऑफ एरर्स और इन द फॉर्म ऑफ फिल अप द ब्लैंक्स और पोस्टर्स। और बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, जनरली प्रेपोजिशन में वो क्या पढ़ना चाहते हैं, जनरली मैक्सिमम टाइम वो पढ़ना चाहेंगे इन और इनटू के बीच का डिफरेंस, ऑन और अपॉन। बट ये सारी चीज़ों से आपका जो वेटेज है, मार्क्स का वेटेज कितना है? ओनली 25 to 30%। और बच्चे मैक्सिमम समय यही पढ़ना चाहते हैं। ओके, इन पहले से रूम में बैठा हुआ है तो इन, अगर वॉक करके आ रहा है तो इन टू, ओवर, अंडर, इसी में बिजी हो जाते हैं। बट मेन प्रेपोजिशन का एरर कहाँ से आता है? एक तो आएगा आपका फिक्स प्रेपोजिशन और दूसरा कहाँ से आएगा? फ्रेजल वर्ब। बाकी का जो ये मैंने क्या बोला, 20 to 25 क्वेश्चन विल बी बेस्ड और प्रेपोजिशन। बट प्रेपोजिशन का जो मेजर पार्ट है, जहाँ से आपका 70% क्वेश्चन आएगा, कहाँ से? फिक्स प्रेपोजिशन। और बच्चे जनरली इग्नोर किसको कर देते हैं? फिक्स प्रेपोजिशन को और फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब का तो मैं आपको शीट प्रोवाइड करूँ, ठीक है, मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूँगी। नो डाउट देर आर मेनी फ्रेजल वर्ब्स, 1000 फ्रेजल वर्ब्स है। बट इज इट पॉसिबल टू फॉर यू टू मग अप सारे रट लोग 1000? नो। तो मैं रट लोग को रटने के लिए रेडी है, मैं आपको मेन वाला दूँ, ठीक है, मेन फ्रेजल वर्ब्स दूँ जो जनरली आपके एग्जाम्स में आता है। आपसे कोई पूछे कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, क्या बोलोगे? हाँ, फ्रेजल। आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ा होगा ना, इडियम्स किसको बोलते हैं? मुहावरे को। वैसे ही वो तो इडियम्स है और ये क्या है? फ्रेजेस। ठीक है, और हर फ्रेज का अपना खुद का मीनिंग होता है, खुद का मीनिंग इन द सेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो फ्रेजल वर्ब क्या से बनता है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। अकेला वर्ब या अकेला प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब नहीं बना सकता है। जब दोनों कॉम्बिनेशन में आएगा तभी क्या बनेगा? फ्रेजल वर्ब। जैसे मैंने लिख दिया लुक। लुक क्या है? लुक वर्ब है, लुक फ्रेजल वर्ब नहीं है। लुक फ्रेजल वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि लुक के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है। लिखा मैंने लुक एट, अब ये बन गया ना फ्रेजल वर्ब। क्या है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। फिर लिख दिया मैंने लुक अप, ये भी क्या है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब बन गया। लुक एट का मतलब क्या है? लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखें, वॉच कर। एंड व्हाट इज लुक अप? लुक अप का मतलब वो मत सोचना है। फ्रेजल वर्ब जो होते हैं ना, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका इम्प्लीकेटेड मीनिंग होता है, ठीक है, हिडन मीनिंग। हर फ्रेजल वर्ब का अपना मीनिंग होता है। तो अगर मैं बोलूँ ना लुक अप, तो ये मत सोचना लुक अप का मतलब है ऊपर देखो। लुक अप का मतलब है ढूंढना, सर्च करना। लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी, इसका मतलब सर्च करना। लुक अप का मतलब है सर्च करना। फिर मैंने आपका वर्ड लिख दिया लुक फॉर। क्या लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है? लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है। हाँ, क्यों फ्रेजल वर्ब है? बिकॉज ये किससे बना है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। और लुक फॉर का मतलब क्या है? सर्च। लुक अप का मतलब भी है सर्च और लुक फॉर का मतलब भी है सर्च। बट डिफरेंस क्या है? किसी खोई हुई चीज़ को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए क्या होगा? लुक फॉर। जैसे आपके फ्रेंड खो गए, आपका सेल फोन खो गया, तो आप क्या बोलोगे? आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम लुकिंग फॉर माई सेल फोन। बट डिक्शनरी में मीनिंग वगैरह ढूंढ रहे हो, तो क्या मीनिंग हो गया डिक्शनरी? तो डिक्शनरी वगैरह में आप मीनिंग वगैरह ढूंढ रहे हो, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मीनिंग वगैरह के उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? लुक अप। एक हमारा वर्ड आता है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब ये मत सोचना, इनटू का मतलब है अंदर, कहीं अंदर देखो। लुक इनटू का मतलब है, हाँ, लुक इनटू द मैटर, इसका मतलब। क्वेश्चन तो आंसर तो सही दिया, मीनिंग भी बता दो। लुक इनटू द मैटर मतलब मैटर के अंदर घुस के इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू का मतलब है जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे लुक फॉर यू, ठीक है, लुकिंग फॉर अ जॉब। आपको जॉब नहीं मिल पा रही, कहीं आपके लिए जॉब रही है, हम लुकिंग फॉर, लुकिंग अप। फिर आपका आ जाता है लुक ओवर। लुक ओवर करना मतलब नहीं, अच्छा ये ध्यान रखना है, यस यस आई नो, कहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो ये ध्यान रखना है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो किससे, ओवर लुक, और ये क्या है लुक ओवर। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वर्ड सिंगल वर्ड है, ठीक है, बट ये अलग है और ये अलग है। ओवरलुक करना मतलब क्या है, ओवरलुक क्या है, वर्ब है, अकेला वर्ब है, ठीक है। ओवरलुक करना मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना, अनदेखा करना। बट लुक ओवर अलग है, लुक ओवर वर्ब नहीं है। लुक ओवर क्या है, लुक ओवर क्या है, फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है एग्जामिन कर। एग्जामिन करना मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जामिन करना, निरीक्षण करना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, जैसे देखो देखो ये देखो टेक ओवर, और हमारा वर्ड है ओवरटेक, दोनों में डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है दोनों में, ओवरटेक, ओवरटेक करते हैं ना गाड़ी वगैरह, ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक करना मतलब किसी के पीछे छोड़ के आगे निकल जाना, बट ये तो क्या है वर्ब है, ठीक है। ओवरटेक का पास्ट क्या होता है, नहीं नहीं पास्ट टेंस, आपने तो उसका V3 बता दिया, ओवरटेक, कैसी होगा। ओवरटेक का पास्ट क्या है, ओवरटेक, ठीक है, जैसे गाड़ी वगैरह ओवरटेक करते हैं। एंड व्हाट इज टेक ओवर, जैसे कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, हाँ अक्वायर कर लिया, ठीक है, अक्वायर कर लिया पूरे, मतलब किसी के अथॉरिटी, अथॉरिटी समझ सकते हैं, मालिकाना अधिकार को उन्होंने, कंपनी को टेक ओवर कर दिया। दोनों में डिफरेंस है ना, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है फ्रेजल वर्ब, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बनने के लिए वर्ब प्लस प्रीपोजिशन चाहिए, बट ये अकेला क्या है वर्ब, ठीक है। और याद रखना फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरर्स में भी मिल जाएगा, फिलअप्स में भी मिल जाएगा। जैसे आप देखो ब्रेक, ब्रेक वाला वर्ड बहुत आता है एग्जाम, और जैसे मैंने लिखा ब्रेक इनटू, फ्रेजल वर्ब का भी पास्ट बनता है, ठीक है। ब्रेक इनटू का पास्ट क्या करोगे, रोके, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, मीनिंग तो सेम रहेगा। बताओ मुझे ब्रेक इनटू का मतलब या ब्रोक इनटू का मतलब। अगर इसकी हिंदी देख, अगर मैं एक सेंटेंस बोला मैं, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, क्या हुआ। अच्छा ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब है तोड़ना, ठीक है, लेकिन ब्रेक अकेला क्या है वर्ब है। बट अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बनने के लिए अकेला वर्ब नहीं चाहिए, वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन चाहिए। इनटू भी तो प्रीपोजिशन। अगर मैंने बोला कि द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, क्या मतलब निकल रहा है इसका। और अगर ऐसा बोला द थीफ ब्रोक द हाउस, दोनों सेंटेंस ऐसा नहीं है कि नीचे वाला सेंटेंस गलत है, नीचे वाला सेंटेंस भी सही है, बट मीनिंग इज डिफरेंट। द थीफ ब्रोक द हाउस, इसका हिंदी क्या है, थीफ चोर ने घर को तोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस का मतलब है, अगर हिंदी देखोगे ना तो ब्रोक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना। सेंध लगाना समझ रहे हैं, जबरदस्ती घुसना तोड़कर। तो ब्रेक इनटू या ब्रोक इनटू का मतलब क्या है, एंटर फोर्सफुल, कहीं पे जबरदस्ती तोड़कर घुसना, दैट इज ब्रोक। ब्रेक वाला जनरली हमारे CGL एग्जाम्स में ब्रेक इनटू आता है। एक आएगा ब्रेक आउट, ये भी फ्रेजल वर्ड है। ब्रेकआउट का मतलब, ब्रेकआउट तोड़ कर निकल जाना, कहाँ से घर, अच्छा पहले तो वो घर में घुसे हैं जबरदस्ती, फिर तोड़कर, वेरी गुड। ब्रेक इनटू ब्रेक आउट का मतलब है किसी भी चीज का तेजी से फैलना, स्प्रेड रैपिड। स्प्रेड मतलब फैलना, और रैपिडली मतलब तेजी से। तो जनरली ये ब्रेकआउट किसके लिए बनाते हैं, वो जनरली एग्जाम में दे देंगे एपिडेमिक के लिए, एपिडेमिक किसे बोलते हैं? महामारी। जैसे महामारी टाउन में तेजी से फैल रही है तो आप बोल सकते हो ना एन एपिडेमिक ब्रोक आउट। जनरली महामारी के लिए दे देते हैं और फायर के लिए भी आते हैं, आग तेजी से फैल रही है। एक आपको दे देंगे ब्रेक वाला ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब, ब्रेकडाउन का दो मतलब होता है। एक तो जो एग्जाम में मेनली आता है मैं बता रही हूँ, एक ब्रेकडाउन का मतलब है जैसे मैंने बोला माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड, इसका मतलब तकनीकी खराबी। जैसे फैक्ट्री में ब्रेकडाउन होता है, फैक्ट्रीज वगैरह में ब्रेकडाउन होते हैं, तो एक ब्रेकडाउन का मतलब है मैकेनिकल फेलियर। ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। ब्रेकडाउन का दो मतलब है, लेकिन जो मैं सेकेंड वाला बता रही हूँ ना वो एग्जाम का फेवरेट है। शी ब्रोक डाउन आफ्टर हर फादर्स डेथ, मतलब फूट जाना, फूट कर रोना, इमोशनली वीक हो जाना। ठीक है, ये सब ब्रेक वाले वर्ड सारा दूंगी मैं। ब्रेक से जितना भी वर्ड आता है, फिर हम जैसे बोल सकते हैं कम से जितना भी आता है, ब्रेक से जितना भी फ्रेजल वर्ब बनता है। जैसे कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब क्या है? कम अक्रॉस का मतलब है किसी से अचानक मिलना। जैसे लिव से, लिव से लिव बाय भी हो सकता है, लिव ऑन भी हो सकता है, लिव अप टू भी हो सकता है। डिफरेंट आपको फ्रेजल वर्ड दूंगी। लिव बाय, लिव ऑन और लिव बाय भी एग्जाम में अक्सर आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिव ऑन? किसी खाने के सहारे जिंदा रहने के लिए क्या बोलते हैं? लिव ऑन। और लिव बाय, किसी चीज़ के सहारे ज़िंदगी गुजारना। जैसे मैंने बोला ही लिव्स बाय हिज मीगर इनकम। मीगर मतलब, मीगर तो दिया है वर्ड पावर में, बहुत कम, जो थोड़ा भी इनकम है उसी के सहारे जिंदा है। जैसे गांधी जी लिव्ड बाय हिज प्रिंसिपल्स, इसका मतलब गांधी जी ने अपने सिद्धांतों के सहारे ज़िंदगी गुजारी। एक तो लिव अप टू, लिव अप टू का मतलब है आशाओं पे खरा उतरना। जैसे टीचर्स जनरली बोलते हैं ना लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, मेरे आशाओं पे खरा उतर। ये समझ में आ रहा है फ्रेजल वर्ब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, क्या बोलोगे? फ्रेजल वर्ब कैसे बनता है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। अकेला वर्ब या अकेला प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब नहीं बनाएगा। और हर फ्रेजल वर्ब का अपना मीनिंग होता है। क्या फ्रेजल वर्ब का पास्ट टेंस बन सकता है? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? लिव का लिव, क्या फ्रेज का तो पास्ट टेंस बना सकते हो, लेकिन फ्रेजल वर्ब का, लेकिन क्या मुहावरे का पास्ट टेंस बना सकते हो? नहीं बन सकता है, बट फ्रेजल वर्ब का बने। फ्रेजल वर्ब का पास्ट टेंस क्यों बनेगा? क्योंकि इसका नाम ही है वर्ब, फ्रेजल वर्ब, और वर्ब का तो पास्ट टेंस बनते ही। ये तो फ्रेजल वर्ब मैं आपको डिटेल में करवा दूँगी, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको करीब 150-200 दूँगी, पढ़ाई और श्योर यू कि उसमें काम हो जाएगा। ओके, हम फ्रेजल वर्ब का क्या करेंगे? पहले फ्रेजल वर्ब कर लेंगे, उसके बाद शीट्स में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? करीब 40-50 सेंटेंसेस है, आप कर लोगे। और दूसरा हमारा क्या है? फिक्स प्रेपोजिशन। ऐसा नहीं है कि हम प्रेपोजिशन नहीं पढ़ेंगे, हम प्रेपोजिशन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, बट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ध्यान में रखते हुए आप उस चीज़ पे फोकस करोगे ना जहाँ से ज़्यादा एरर्स आता है। कहाँ से? फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब क्या है? कुछ वर्ड्स है जो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है। जैसे मैंने बोला सरेंडर, सरेंडर का मतलब क्या है? आत्मसमर्पण। जैसे मैंने बोला सबको पास कर देती हूँ, मैंने बोला आपको यील्डेड। यील्डेड का मतलब, वैसे यील्ड का दो मतलब होता है। क्या क्या होता है यील्ड का मतलब? यील्ड का दो मतलब होता है। एक यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस, प्रोडक्शन। अगर मैंने सेंटेंस बोला द फार्म यील्डेड 2 टन्स ऑफ अनियंस, खेत ने 2 टन्स ऑफ अनियंस का उत्पादन किया। और एक यील्ड का मतलब क्या होता है? सरेंडर। लिखा मैंने द एनिमी यील्डेड टू द किंग। चलो बताओ, यील्ड का तो दो मतलब बताया मैंने, सरेंडर और उपज, प्रोडक्शन। यहाँ क्या मतलब निकल रहा है? सरेंडर। एनिमी ने, दुश्मन ने किंग के सामने प्रोडक्शन तो नहीं किया, सरेंडर। तो एक यील्ड का मतलब सरेंडर। अब आप आ जाओ वर्ड सबमिटेड। सबमिट का भी दो मतलब होता है। क्या क्या? क्या क्या, एक तो सबमिट का मतलब क्या है, जमा करना, और दूसरा सबमिट का मतलब होता है सरेंडर करना। इसे लिखा मैंने द एनिमी सबमिटेड टू द किंग, क्या मतलब निकल रहा है, किंग ने, सॉरी दुश्मन ने किंग के सामने अपने आप को जमा कर दिया, आत्मसमर्पण। देखो सबका मतलब सेम है, एक वर्ड आता है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एक वर्ड हमें क्या करना है ना, फिक्स प्रेपोजिशन को तो आराम से छांट के पढ़ना है ताकि आपका काम आसान हो जाए। जितने समर्पण वाले वर्ड्स हैं ना, वो अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन देते हैं, क्या कुछ जुलेट का मतलब भी टू, एक होता है स्टूप, स्टूप का मतलब किसी के आगे झुकना। आप बहुत ज़्यादा झुक रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप उसके आगे सरेंडर ही कर रहे हो ना, किसी के सामने झुकना, सरेंडर करना। तो सबका मतलब क्या है, सरेंडर करना, आत्मसमर्पण। और सारे वर्ड्स अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा, और एग्जाम में आपका फिक्स प्रेपोजिशन आता है। ओके, मेनली आप अपना फिल अप द ब्लैंक्स देखोगे ना, या क्लोज टेस्ट, उसमें एक आध दो फिक्स प्रेपोजिशन रहे। इसे मैंने लिखा देखो, सिमिलर, सिमिलर का मतलब एक जैसा, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, अकिन, अकिन का मतलब भी एक जैसा, सबका मतलब है एक जैसा। ये भी अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन, ये भी अपने साथ क्या है। लेकिन फिर मैं आपको कुछ कुछ एक्सेप्शन भी डालते जाऊँ, जैसे रिजेंबल, नीचे एक्सेप्शन भी डालते जाना है। रिजेंबल का मतलब क्या है, रिजेंबल का मतलब भी होता है एक जैसा, लेकिन रिजेंबल के साथ कौन सा प्रेपोजिशन, टू नहीं आता है, कौन सा, रिजेंबल के साथ टू आएगा या विद आएगा, दोनों गलत है। रिजेंबल के साथ वो प्रेपोजिशन के एग्जाम में आता है, ठीक है। ही रिजेंबल्स, ऐसा लगा देंगे, ही रिजेंबल्स टू हिज पेरेंट्स, इसकी हिंदी क्या है, ही रिजेंबल्स टू हिज पेरेंट्स, वो देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है। और रिजेंबल का मतलब भी तो एक जैसा, सिमिलर होगा। और जनरली रिजेंबल वाले वर्ड क्या लेते हैं, टू, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, रिजेंबल के साथ ना टू ना विद, सिंपली क्या होगा, ही रिजेंबल्स हिज पेरेंट्स। एक और वर्ड आता है अलाइक, अलाइक का मतलब भी क्या है, सिमिलर, और अलाइक के साथ भी नो प्रेपोजिशन। पहले तो हम सारे फिक्स प्रेपोजिशन को छांट कर लिखेंगे। देखो सबका मीनिंग है, ये टू ले रहा है, यहाँ भी सबका मीनिंग सी सेम है, सिमिलर आइडेंटिकल, ये भी टू ले रहा है, बट ये दोनों वर्ड का मतलब भी सिमिलर है, बट ये अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है। ये हमारा फिक्स प्रेपोजिशन है। क्लियर हो रहा है कि ये है क्या। पहले हम क्या करते हैं कि सारे प्रेपोजिशन को पढ़ लेते हैं, और लास्ट में जो हमारा एग्जाम में 20-25% प्रेपोजिशन से आएगा वो हम पूरा कवर कर लेते हैं। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, फिक्स प्रेपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब। इसको कैसे पढ़ना है, इसको मैं शीट से पढ़ना है, ठीक है। शीट में लिख लिख के आपको एक साथ प्रोवाइड हो जाएगा कौन सा वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन है, ठीक है। शैल वी स्टार्ट प्रेपोजिशन।